इलिप्स 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 बनाएंगे, तब हम लोग इलिप्स का फोर सेंटर मीटर से हम लोग क्या कहते हैं इलिप्स बनाया था कल, फोर सेंटर मीटर से हम लोग क्या बनाते हैं इलिप्स बनाए थे, और आज हम लोग आर्क मीटर से आर्क मीटर से हम लोग इलिप्स बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल कैसा आता है आर्क मीटर से, सवाल आता है क्वेश्चन है ड्रा एन इलिप्स इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेकर मेकर मेजर कल हम लोग जो सवाल बनाए थे उसमें था ड्रा एन इलिप्स बाय फोर सेंटीमीटर, लेकिन जो आज सवाल है ड्रा एन इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मीटर। कल हम लोग क्या पढ़ते हैं फोर सेंटीमीटर से पढ़ते हैं, कल हम लोग फोर सेंटीमीटर से इलिप्स बनाया था, फोर सेंटीमीटर से हम लोग क्या करते हैं इलिप्स बनाया था, लेकिन आज हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स बनाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फोर सेंटीमीटर हमेशा आता है, लेकिन हम लोग को सिलेबस में भी पढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं उसको भी सीख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम कुछ भी आ जाए सीखना था है। तो हम लोग आर्क ऑफ सर्कल मेथड से भी आज इलिप्स बनाते हैं। सवाल क्या है सर दिया था मेजर एक्स दिया हुआ है, पहली फिगर गिवन गिवन क्या दिया हुआ है आंसर गिवन मेजर एक्सिस मेजर एक्स 120 mm माइनर एक्सिस 30 mm। कल हम लोग रूप बता देते हैं मेजर एक्सिस किसे कहते हैं और माइनर एक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे हम लोग क्या करते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इलिप्स को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं देखिए इस आर्क ऑफ सर्कल मेटर से, आर्क ऑफ सर्कल मेटर से कैसे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका मेजर एक्सिस दिया हुआ है, मेजर एक्सिस क्या दिया हुआ बाबू 120 mm, तो 120 mm का एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे 120 mm का एक लाइन खींचेंगे, जो लाइन खींचेंगे जो भी पेंसिल यूज कर रहे हैं कौन सा पेंसिल यूज करेंगे 2H पेंसिल यूज करेंगे, 2H पेंसिल से क्या लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद 120 का एंगल क्या है कितना है 120 इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा 60, इसका 120 का होगा 60 मान लो यहां पर 60 यहां पर ये मान लो इसका नाम है तो ए इसका नाम है तो ए इसका नाम है तो बी इसका 60 यहां पर न्यू पॉइंट का है वो ये क्या है इसका पहले से कितना 60 पता है ये 120 है ए बी लाइन 120 है ए बी लाइन 120 है 120 का हाफ 60 आता है तो 60 पॉइंट मान लो यहां पे आता है, ठीक है। इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसको नाम कुछ भी इसका नाम है सी या डी सी डी इसका नाम है सी और डी। इसमें उसके बाद माइनस कितना था 70 mm था, इसमें कंपास का साइज 35 mm
मेजर कर लेते हैं 35 एम एम मेजर कर लेते हैं 35 एम क्या है 35 एम मेजर कर लिए के बाद ऊपर कट कर दिए मतलब 35 एम बने यहां पर ठीक है यहां पर 35 यहां कर दिए तीन ऐसे कर दिए 35 एम यहां ठीक है 35 एम यहां से ठीक है तो 35 कितना गया 70 35 + 35 = 70 35 ऊपर 35 नीचे कितना गया 70 ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे OA डिस्टेंस ले लेंगे OA जो है डिस्टेंस उसको मेजर कर लेंगे क्या कर लेंगे उसको OA डिस्टेंस जो O से A का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेंगे उसके बाद पॉइंट C से रख कर केंद्र मार्क कर OA लाइन पर कट करेंगे मान लीजिए पर यहां कटा ठीक है और एक बार यहां पर कटा ठीक है एक बार यहां कटा यार पॉइंट सी से ओए डिस्टेंस लेंगे पॉइंट सी से एक बार इसको काटे एक बार इसको काटे वो भी पकड़े एक बार ओए को काटे एक बार वो भी पकड़े ठीक है ये जो पॉइंट काटेगा मैंने यहां पे जो मान लो यहां पर काटा ठीक है यहां पर काटा इसका नाम दे रहा एफ वन इसका नाम दे रहा एफ वन ऐसा नाम दे रहा एफ टू फोकस वन एंड फोकस टू उसके बाद हम लोग जो F1 से वो डिस्टेंस है उसको चार भागों में बांटेंगे या पांच भागों में बांटेंगे चार भागों में बांटेंगे या पांच भागों में बांटेंगे इसलिए क्या करेंगे कोई भी चार भाग लेंगे कितने भी ले लेंगे उसको जैसे यहां पर रखेंगे F1 पर रखेंगे एक दो तीन तीन में काटा या तीन में रखेंगे जहां काटा हम यहां पर काटा एक दो तीन कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि हमें इतना ही ठीक है वो से पहले तक आना चाहिए वो से पहले तक लेना चाहिए आना चाहिए कि इधर काटना चाहिए कोई भी डायमेंशन लेने चाहे लेंगे तीन बार काट लेंगे एक दो तीन हम हो सकते हैं चार बार भी काट लेंगे पांच बार भी काट सकते हैं वो से लेकिन पहले वो जो गेम है मेरा वो उससे पहले तक हम लोग चार बार काट सकते हैं पांच बार भी काट सकते हैं ठीक है जितने बार ज्यादा काटोगे उतना इलिप्स अच्छा बनेगा इलिप्स अच्छा बनेगा ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पॉइंट ए से वन का डिस्टेंस क्या करते हैं मेजर कर लेते हैं पॉइंट ए से वन का डिस्टेंस मेजर कर लिए उसके बाद एक वन पर रखे एक बार ऊपर किए और एक बार आर नीचे लिए एक बार ऊपर आर किए एक बार नीचे आर किए ठीक है एक बार ऊपर आर किए तो ऐसा है एक बार ऊपर आर किए एक बार नीचे आर किए ठीक है इसके बाद क्या हुआ इस प्रोसेस के एक एक टू मूवी रखे एक बार ऊपर आर किए आर किए यह ऊपर आठ लिए थे और एक बार नीचे आ गए यह ऊपर आठ लिए और एक बार नीचे आ गए फिर उसके बाद हम लोग यहां बी से वन का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे बी से वन का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे उसके बाद देखो पॉइंट बी से वन का डिस्टेंस पॉइंट बी से वन का डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉइंट बी से वन का डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके बाद एक टू पर रखेंगे और उसको कटिंग करेंगे एक बार आर लाइन कट यहां कटेगा एक बार यहां कटेगा यहां से कटा ऐसे करेंगे तो यहां कटेगा
6 तो आ गया, एक वन रख के काटेंगे ऐसे, फिर पुनः एक वन पर रख के ऐसे काटेंगे, काटेंगे, फिर सिला करेंगे यहाँ पर करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग पुनः सेम प्रोसेस ही करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग ए से टू का डिस्टेंस, ए से टू का डिस्टेंस, ए से टू का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, ए से टू का डिस्टेंस मेजर किए, उसके बाद एक वन पर रख के, एक वन पर रख के एक बार ऊपर चार किए, आठ किए, एक बार ऊपर आठ किए, एक बार नीचे आ गए, ठीक है? एक बार ऊपर आठ करके, एक बार नीचे आ गए, ऊपर आठ किए, ऐसा है, नीचे आ गए, अभियान के एक टू पर रख ऊपर आठ लेंगे, एक बार नीचे आ गए, एक ऊपर आठ लिए, एक बार नीचे आ गए, फिर से प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे? बी से पॉइंट बी से टू का डिस्टेंस मेजर करेंगे, पॉइंट बी से टू का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको क्या करेंगे? एफ एफ टू पर रख के इसको कट करेंगे, पॉइंट बी से, पॉइंट बी से टू का डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसके बाद एफ टू पर रख के एफ टू फोकस पर रख कर इसको क्या करेंगे? कट करेंगे, कटेगा यहाँ पर, विश्वास करेंगे एक बार पर रख के उसको सेम प्रोसेस यहाँ भी कटेंगे, एक बार नीचे करेंगे, यहाँ कटेगा यहाँ, ठीक है? पुनः प्रोसेस यही करेंगे, पुनः पुनः अगेन क्या करेंगे? अगेन ए से थ्री का डिस थ्री का डिस्टेंस लेंगे, ए से थ्री का डिस्टेंस लेंगे, ए से थ्री का डिस्टेंस लेंगे अगेन, एंड एक वन पर रख कर फोकस वन पर रख के ऊपर काटेंगे और एक बार नीचे आते लेंगे, काटेंगे नहीं आप लेंगे और ऊपर एक बार नीचे, मान लो यहाँ पर था एक बार यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद एफ टू पर आते हैं, करेंगे एक बार ऊपर आते लेंगे और एक बार नीचे आते लेंगे, ऊपर आते लेंगे उसके बाद एक बार नीचे आते लेंगे, ठीक है? उसके बाद पुनः पॉइंट बी से थ्री का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर एफ टू पर आकर जो एक बार काटेंगे, काटेंगे यहाँ एक बार नीचे काटेंगे, मतलब डायरेक्शन पर बदल दे इससे डायरेक्शन पर ट्रेस के, ठीक है? एक बार यहाँ पर रखें, इसे करेंगे एक बार ऐसे कटेगा, एक बार ऐसे कटेगा, ये भी कटेगा, सॉरी ये लग कटेगा, ये लग कटेगा यहाँ से, उसके बाद एक वन पर रख के इसे काटेंगे, यहाँ से कटेगा ये, यहाँ से कटेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग फ्रेंच कर्व के सहायता से या प्रोटेक्टर सहायता से इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे, जो मेरा 35 सी पॉइंट सी एक्सिस प्लस होता जाएगा, जाएगा जो ये करेंगे कर्व जो करेंगे एक्सिस पेंसिस करेंगे, पॉइंट बी को टच करेगा, फिर यहां से ऐसे करेगा, इस तरह हम लोग क्या करते हैं सर्किल आर्क और सर्कुलेटर से हम क्या करते हैं एलिप्स को बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन कितना है इसका 120 mm मेजर और माइनस कितना है draw an ellipse
measure axis 100 mm and minor axis 80 mm. Yeah, bro.